Hey guys, here I will discuss an introductory part that is public garden and parks. First question is, would you like to play in a public garden or park? क्या आप जो है public garden या park में खेलना पसंद करोगे? Of course, I love to play outdoor activities in a public garden or park. मैं पसंद करता हूँ outdoor activities public garden में play करना. Because I am a gregarious person. Gregarious का मतलब होता है sociable person. And I love to spend my quality time in public park with my near and dear ones. और मैं पसंद करता हूँ public park में अपना time spend करना अपने चाहने वालों के साथ. What do you like to do when visiting a park? आप क्या करना पसंद करते हो जब आप park में visit करते हो? In the morning, में I do jogging in park. मैं jogging करता हूँ park में. While in evening, I play badminton. मैं badminton play करता हूँ. And gossip with my comrades. और अपने friend के साथ, comrades होते हैं friends. Friends के साथ जो है बातचीत करता हूँ, गपशप करता हूँ. How have parks changed today as compared to the time when you were a kid? कैसे ये parks जो हैं वो change हो गई हैं आजकल के दौर में, अगर हम compare करें जब आप बच्चे थे तब की बात करें तो. The things that I observe about park is that in ancient time, parks were simple. अब जो चीज़ मैंने observe की है वो ये है कि जब पुराना समय था, past का time था, जहाँ yester years भी बोल सकते हो, उस time पे जितने भी parks होती थी वो simple होती थी. There were no electronic sports appliances. वहाँ पे electronic sports appliances नहीं होते थे. कहने का मतलब कि jogging के लिए कोई machine वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होती थी. But now there are ample amenities in the parks. अब बहुत सारी facilities, amenities का मतलब होता है facilities आ गई हैं parks में. And separate zones for each age group. और हर age group के लिए अलग अलग zone बन गए हैं. Zone कहने का मतलब कि parks में partition है कि कहाँ पे बच्चे खेलेंगे, कहाँ पे बुजुर्ग जो है वो बैठेंगे, कहाँ पे जो young हैं वो जो कोई भी अपनी game है वो play करेंगे. Would you prefer to play in the personal garden or public garden? आप कहाँ पे खेलना पसंद करोगे, पब्लिक गार्डन में या पर्सनल गार्डन में? टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टीज के साथ बताऊँ तो आई वुड प्रेफर टू प्ले इन पब्लिक गार्डन. मैं पब्लिक गार्डन में खेलना पसंद करूँगी बिकॉज आई एम अ गैरुलस पर्सन. गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, जिसको बातें करना बहुत पसंद होता है. एंड आई लव टू किल द टाइम विद माई कॉमरेड्स एंड माई फैमिली मेम्बर. और मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है अपने फ्रेंड के साथ भी और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी. किल द टाइम इज एन इडियम जिसका मतलब होता है स्पेंड द टाइम. सो इन पब्लिक गार्डन आई कैन टॉक विद माय फैमिली मेम्बर्स, माय नेबर्स एंड विद माय पीयर्स साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ में. तो पब्लिक गार्डन में मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ एक साथ बातचीत कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक टॉकेटिव पर्सन हूँ, मुझे बातें करना बहुत पसंद है. तो इन पब्लिक पार्क आई कैन टॉक विद एनी वन विद होम आई कैन एन्जॉय. सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो बेस्ड थे पब्लिक पार्क और गार्डन. सो अगर आप पहली बार मेरे चैनल सुमन आयस पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, क्योंकि यहाँ पे आपको आयल्स के रिगार्डिंग छोटी से छोटी नॉलेज मिलेगी, चाहे वो किसी भी मॉड्यूल की बात हो. क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर राइटिंग टास्क की बात की जाए तो मैंने टास्क वन की जितनी भी टाइप्स हैं वो अपलोड कर दी हैं. ओनली टू टाइप्स अभी बची हैं, वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी. और इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्यू कार्ड्स, एवरीथिंग इज ऑल्सो अपलोडेड ऑन माई चैनल. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक, लिसनिंग की टिप्स एंड ट्रिक और जो भी आपको किसी भी मॉड्यूल की किसी भी जो टॉपिक में प्रॉब्लम है, यू कैन क्लियर योर डाउट्स हियर. एंड अगर आपको लगता है कि मैंने कोई वीडियो अभी तक अपलोड नहीं की है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. मैं वो वीडियो भी जल्दी अपलोड करूंगी. सो प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड, क्योंकि अगर आपकी हेल्प हो रही, इट मीन्स अगर आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करोगे तो उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आयल्स के रिगार्डिंग. और यहाँ पे मैं कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ बातें करके, मैं सीधा ऑन द स्पॉट टॉपिक के बारे में ही बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम भी बहुत प्रीशियस है और इसलिए मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहती. सो जितना हो सके इन वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग. सो कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.